आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि 9 सितंबर स्याह दिन था। ऐवान से हमारे अराकीन को गिरफ्तार किया गया, उस पर सिर्फ माजरत कबूल नहीं, वजीर आजम या वजीर दाखिला में से किसी एक को इस्तीफा देना होगा। ये कहना है पीटीआई सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का, जिन्होंने सेनेट में धुआंधार तकरीर की। बोले, आप क्या समझते हैं कि अवाम भेड़ बकरियाँ हैं, अब तैयार हो जाए, इनकलाब आएगा। हमें ही इस नाम नहाद जमहूरी हुकूमत के तहत जलील करके गिरफ्तार किया गया। जिसने भी किया है उन्होंने कहा पार्लियामेंट तुम्हारा कोई इज्जत नहीं, अपने आप को सॉवरन कहते हो, देख लो आपकी औकात। को पकड़ पकड़ के, गर्दन से पकड़ पकड़ के बाहर निकाला। हम माजरत करते हैं, ये इनफ नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ एक चीज एक्सेप्टेबल है, हुकूमत के जो सरबराह हैं इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे नीचे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं, इन दोनों में से किसी को माजरत के साथ इस्तीफा भी देना पड़े। अगर आप समझते हैं कि अवाम भेड़ बकरी है, जिस तरह चाहे उन पर राज करें, तो फिर याद रखें लावे का पहाड़ जो है फट पड़ेगा। तैयार हो जाएं फिर इनकलाब के लिए। हम लाहौर का जलसा हर सूरत में करेंगे, चाहे उसका एनओसी हो या ना हो।